आपको क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन a प्लस बी cos x व्हेन a ग्रेटर देन 0 मॉड बी लेस देन a एंड डेड्यूस दैट इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन a प्लस बी cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहले हमको इसको इवेलुएट करना है फिर ये डिड्यूस करना है। ठीक है, तो पहले पहले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, आई मत मानो, जो दिया है वही लेके चलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a प्लस बी cos x दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस cos को अपने tan के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या जानते हैं, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है और x है, तो अगर हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको cos x का वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ से cos x का वैल्यू बनाए तो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स x का था तो यहाँ पे 1 टाइम्स x हो गया। अब जब एक टाइम रहेगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जो यहाँ पे होता है वहां का आधा, 2 का आधा 1, तो 1 का आधा हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 बनने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a प्लस बी, या कॉस के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 हो जाने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a प्लस ए टेन स्क्वायर x बाई 2, ए के साथ मल्टीप्लाई करके ओपन कर लिया। ठीक है, और फिर क्या, प्लस b है तो प्लस b, और फिर क्या, माइनस b टेन स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। तो देखो यार, 1 प्लस टेन स्क्वायर x कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाने वाला है, sec स्क्वायर x बाई 2। तो क्या करते हैं, sec को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, यहाँ पर हो गया। चलो अब देखो, यहाँ पे a है और b है, ये अलग कर सकते हैं, और tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, याद रखो क्या, आगे बढ़ा जाए। चलो तो क्या करते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपान a प्लस बी को अलग कर लेते हैं, और फिर क्या, tan स्क्वायर x बाई 2 कॉमन निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2, यही मिलेगा ना। यहाँ देखो माइनस बी है, यहाँ पे प्लस ए है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ जो tan स्क्वायर x बाई 2 है इसको रिप्लेस करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट tan x बाई 2 कुछ t के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x आएगा, लेकिन यहाँ पे x बाई 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगा के x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना मिलेगा, 1 बाई 2 मिल जाएगा। राइट में कितना मिलेगा, dt अपान dx, तो dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर sec स्क्वायर x बाई 2 dx बन रहा है, तो ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 2 dt यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रल 0 टू पाई 2 dt अपान a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, t का स्क्वायर रखेंगे, क्या रखेंगे, t का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया, अब इस 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, और नीचे से क्या करते हैं, a माइनस बी कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इधर का पोर्शन नोट करो, रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है, और थोड़ा सी आइडेंटिटी यूज हुई है, जैसे यहाँ पे टेन का आइडेंटिटी यहाँ पे यहाँ नीचे यूज हुआ था ना, हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, तो 2 टाइम्स 2 बाहर है, 2 बाहर है, इंटीग्रल 0 टू, हाँ एक सेकेंड, और देखो यार हमने क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया, क्या सॉरी लिमिट नहीं, वेरिएबल को tan x बाई 2 को t बना दिया, तो अपने लिमिट को भी चेंज करना पड़ चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे क्या है, अपर लोअर लिमिट 0 है, तो x का वैल्यू 0 करते हैं, x का वैल्यू जब 0 होता है, x का वैल्यू जब 0 को जाता है, तो t कहाँ जाएगा, t भी 0 को जाएगा, tan 0
जीरो होता है तो टी भी जीरो हो जाएगा, और फिर यक्स का वैल्यू पाई रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बाई टू। तो जब यक्स का वैल्यू पाई बन रहा है, देखो यक्स का वैल्यू पाई रखेंगे लेकिन बनेगा क्या, टेन पाई बाई टू, तो टी कहाँ चला जाएगा, टी इन्फिनिटी को अप्रोच करा जाएगा टेन का। अगर आप देखते हो तो जैसे ही टेन पाई बाई टू की तरफ, टेन पाई बाई टू को अप्रोच करता है उसका ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है। चलो हम क्या करते हैं, लिमिट को भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। टू टाइम्स इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, ऊपर डी टी है, नीचे क्या बोला, ए माइनस बी कॉमन निकालने के लिए, तो ए माइनस बी कॉमन निकला, यहाँ पे ए माइनस बी है ना, तो कुछ नहीं है, डिवाइड कर दो ना, ए प्लस बी है डिवाइड कर दो, ए माइनस बी से हो गया कॉमन निकल गया, और प्लस यहाँ से ए माइनस बी कॉमन निकाला था तो सिंपली टी स्क्वायर बचेगा। चलो ये हो गया, अब यहाँ पे ए माइनस बी भी कॉन्स्टेंट है, उसको भी बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, क्या मिल जाएगा, टू अपान ए माइनस बी इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी डी टी अपान, यहाँ पे कितना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको क्या करते हैं रूट के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमको देखो फॉर्मूला पता है इंटीग्रल डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे टी है तो टी के टर्म में लिख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं डी टी लिखा हुआ है, यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा हुआ है, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी बाई ए आ जाएगा, और सभी वही चीज रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, तो क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, वही लिखा हुआ है, बस हमने क्या कर लिया ए स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया। अब ए का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस अपान ए माइनस बी, रूट क्या है पूरे में लगा हुआ है, ठीक है, रूट क्या है पूरे में लगा हुआ है, और प्लस टी स्क्वायर तो है ही, तो आराम से अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या जाने वाला है हमारे पास, टू ए माइनस बी तो बाहर है, क्या आएगा पहले, वन बाई ए, तो वन बाई ए की जगह पे क्या है, ये है अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, फिर क्या आता है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स या टी बाई ए आएगा, टी की जगह पे क्या है, सिंपली टी है, ए की जगह पे ये है अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस बी को ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस बी, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे लिमिट रखना नहीं है, लिमिट हम यहीं पे रख लेते हैं जीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी के जगह पे रखना पड़ेगा, एक बार इन्फिनिटी एक बार जीरो, यहाँ पे टी का कोई टर्म ही नहीं है तो इसको बाहर ही कर लिया, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे भी है। चलो इधर का थोड़ा सा नोट करो, अब कुछ करना नहीं है, बस लिमिट पुट करना, तो आपको भी आप भी जानते हो टेन इनवर्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो थीटा कहाँ चला जाता है, पाई बाई टू की तरफ चला जाता है, ठीक है, इसको इसको रब कर दें, हो गया। चलो तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन समथिंग मतलब इन्फिनिटी होने वाला है, तो सिंपली ओवरऑल कितना मिलेगा हमको, वहां से पाई बाई टू मिलने वाला है, तो टू ए अपॉन ए माइनस बी बाहर है, और अंडर रूट ए माइनस बी अपान अंडर रूट ए प्लस बी भी है, और यहाँ पे देखो इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी अपान समथिंग मतलब इन्फिनिटी, तो टेन इन्फिनिटी मतलब क्या पाई बाई टू, और माइनस जीरो रखोगे जीरो अपान समथिंग मतलब जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो मतलब क्या जीरो, मतलब सिंपली पाई बाई टू मिला। तो क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, टू अपान अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं, अभी भी वही लिखा हुआ है, रूट स्क्वायर लगा हुआ है, रूट हट जाएगा, वही लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, क्या क्योंकि ऊपर वाला एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी अपन अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है ना, चलो ये हो गया, और पाई बाई टू तो मल्टीप्लाई में है ही, तो एक टर्म से ये एक टर्म कैंसिल हो जाने वाला है, तो हमको कहाँ इसको डिड्यूस करना था पहले ना, तो कितना आएगा हमारे पास, और टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली कितना बचेगा, पाई अपान अंडर रूट यहाँ पे ए माइनस बी है, और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो वही दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ गया। पहले आप इसको नोट करो, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, हो गया, आगे बढ़े, अब पूरा हटा देते हैं, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या आ चुका है, उसको लिख लिया जाए एक बार फिर से, उसी का यूज करके हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे, इंटीग्रल जीरो टू पाई डी एक्स अपान ए प्लस बी कॉस यक्स इज इक्वल टू पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मतलब उसने ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, तभी ना नीचे से ए स्क्वायर को फिर प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया होगा, तो टू ए आया होगा, तो टू कहीं से कट गया होगा, सिंपली यहाँ पे ए बचा होगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ए के रिस्पेक्ट में दोनों टाइप डिफरेंशिएट किया है, तो वही हम भी करते हैं। इंटीग्रल 0 to π dx ऊपर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो जैसे लिखा होता है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन के टाइम में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर है जो भी है उसके अंदर, चैप्टर का नाम जो भी है उसके अंदर आप देख ही रहे हो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन के टाइम आपको समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करते हो d/dx, तो क्या करते हो, पहले मान लेती हो कि ये ऊपर चला गया, तो x के पावर -1 हो जाता है। अब डिफरेंशिएट करते हो तो -1 बाहर आता है, फिर x के पावर -2 हो जाता है। सिंपली आप क्या लिखते हो, -1/x2, यही लिखते हो। वही सेम काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। पहले मान लेना कि ये ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस एक्स के पावर -1। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस बाहर आने वाला है, फिर क्या, ए प्लस बी कॉस एक्स के पावर -2 हो जाने वाला है। तो उसको नीचे लाते हैं, क्या होगा, ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाने वाला है। फिर प्रोडक्ट रूल लगा के अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए का ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाने वाला है, और यहाँ पे बी वाले टर्म है, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब सिंपली इतना ही बचने वाला है। एक माइनस का साइन भी है, उसको यहाँ पे कर लेते हैं। चलो अब राइट में बढ़ो, राइट में पाई तो कॉन्स्टेंट है, अब इसको अंडर रूट को डिफरेंशिएट करना है। तो अंडर रूट ऐसा मान लो कि ये क्या लिखा हुआ है, 1/√α लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अल्फा का अंडर रूट का मतलब अल्फा के पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा के पावर -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वहाँ पे भी कर लेंगे। पहले इसको मान लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लो अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d/dA लिखेंगे। यहाँ पे अल्फा बोला तो अल्फा के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या होता है, पहले -1/2 बाहर आता है, फिर अल्फा के पावर -1/2, -1 और कम होगा, फिर अगर कुछ और टर्म बचते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अन्यथा इतने पे रोक देंगे, तो क्या हो जाने वाला, -3/2 हो जाने वाला। वही सेम काम हम करते हैं। तो पाई हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं a² -b² के पावर -1/2 ऊपर जाने के बाद। तो पहले क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, तो 1/2 बाहर आ गया। फिर क्या होगा, a² -b² के पावर -3/2 होने वाला है। फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में 2a हो जाने वाला है, और b का, यहाँ पे b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर का तो 0 हो जाने वाला है, तो उसको छोड़ दो, इसको नीचे लाओ, तो 2/a² - b² के पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, मतलब क्या बचा, सिंपली इंटीग्रल 0 to π dx/a+b cos x² कितने के बराबर, π a/a²-b² के पावर 3/2। यही तो हमको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, ठीक है, आ भी गया, नोट कर लो।